नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x 0 x माइनस 1 एंड x 2 हमें इस पॉलीनोमियल की वैल्यू x के गिवन वैल्यूज पे फाइंड करनी है पॉलीनोमियल है तो हम उसे px से डिनोट कर देते हैं px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये हमारे पास है गिवन पॉलीनोमियल हमें फर्स्ट पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 0 इस पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलीनोमियल में जहां जहां भी x होगा यहां भी वहां हम क्या पुट करेंगे 0 सो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 5 इंटू 0 इज 0 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 सो वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 0 इज 3 नेक्स्ट इज एट x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पे यहां भी x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे माइनस 1 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 सो फाइंड द वैल्यू 5 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 माइनस की टर्म की पावर है इवन तो आंसर आएगा पॉजिटिव सो प्लस के 1 1 का स्क्वायर इज 1 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4 प्लस 3 दो टर्म नेगेटिव है माइनस 5 एंड माइनस 4 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 ये कब वैल्यू आई व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 1 तो वैल्यू आई पॉलीनोमियल की माइनस 6 दोबारा से बता रही हूँ जहां पे भी x है वहां हमने क्या पुट किया माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर नेगेटिव टर्म की पावर इवन तो आंसर आएगा पॉजिटिव 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 3 दो टर्म्स नेगेटिव है माइनस 9 प्लस 3 एक टर्म प्लस की एक माइनस होगा सब्ट्रैक्ट साइन आएगा बड़ी टर्म का नाउ द थर्ड पार्ट वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2 सो 5 इंटू 2 x की जगह पे 2 पुट करेंगे 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 5 2 इज 10 माइनस 4 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 3 10 4 4 इज 16 प्लस 3 दो टर्म्स प्लस की है 10 और 3 13 माइनस 16 सो वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2 एक टर्म है पॉजिटिव एक है नेगेटिव होगा सब्ट्रैक्ट साइन आएगा बड़ी टर्म का बड़ी टर्म है 16 सो 16 माइनस 13 इज 3 क्लियर जो भी हमें पॉलीनोमियल गिवन है हमें कहा है उस पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है x 0 माइनस 1 और 2 पे जहां भी x है वहां पे हमने 0 पुट किया तो वैल्यू आई 3 यहां भी पॉलीनोमियल में x है वहां माइनस 1 पुट किया तो आंसर इज माइनस 6 और x को 2 पुट किया तो आंसर इज माइनस 3 नोट कीजिए फिर सेकंड सम करेंगे नाउ नेक्स्ट चलते हैं सेकंड सम पे सेकंड सम में हमें क्या कहा है फाइंड पी जीरो पी वन एंड पी टू इसका क्या मतलब है पी जीरो पी वन पी टू मीन्स पॉलीनोमियल की वैल्यू एट जीरो वन एंड टू यहाँ पे x0 या y1 ऐसा क्यों नहीं दिया हुआ x0, x1, x2 क्योंकि अगर हम देखें चारों पार्ट में पॉलीनोमियल्स में वेरिएबल डिफरेंट है यहाँ पे वेरिएबल है y यहाँ पे वेरिएबल है t यहाँ पे है x और यहाँ पे भी है x इसलिए सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पॉलीनोमियल क्या है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 हमें कहाँ वैल्यू फाइंड करनी है एट पॉइंट 0 एट पॉइंट 1 एंड एट पॉइंट 2 ये वैल्यूज फाइंड करनी है अब वेरिएबल है y
तो यहाँ जहां भी y होगा वहां पुट करेंगे 0, 1 एंड 2. सो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1. सो आंसर इज 1. 0, 0 और 1 तो 1. नाउ p इज 1, y इज 1. 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. प्लस के 1 माइनस के 1 कैंसिल. 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इज 1. 2. 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. 2 का स्क्वायर 2 2s आर 4 माइनस 2 प्लस 1. 4 प्लस 1 5 माइनस 2 सो 3. तो फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया 1 1 एंड 3. क्लियर. जो भी वेरिएबल है फर्स्ट पार्ट में वेरिएबल क्या है y, तो वेरिएबल की जगह पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे 0 1 एंड 2. 0 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 1. 1 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 1. 2 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 3. नाउ द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज पॉलिनोमियल इज p t. 2 प्लस t प्लस 2 t स्क्वायर माइनस t क्यूब. अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है. p 0, पहले 0 पुट करते हैं t की जगह पे. 2 कांस्टेंट है एज इट इज, t की जगह पे 0. 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब. 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर इज 0. सो 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 सो आंसर इज 2. नाउ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 1. जहां पे भी t होगा वहां क्या पुट करेंगे 1. 2 इज द कांस्टेंट 2. t की जगह पे 1. 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब. 2 प्लस 1. 1 को दो बार मल्टीप्लाई करो. 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1 इंटू 2 इज 2. नेगेटिव 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर इज 1. नाउ प्लस के 1 और माइनस के 1 कैंसिल हो गए. 2 प्लस 2 4. नाउ हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 पे. t की जगह पे क्या पुट करेंगे 2. 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब. 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 2s आर 4 माइनस 2 क्यूब. 2 2s आर 4 2s आर 8. सो 2 प्लस 2 4. 4 इंटू 2 8 माइनस 8. प्लस के 8 माइनस के 8 कैंसिल. तो आंसर आया इस केस में हमारे पास 4. क्लियर है. जो भी गिवन पॉलिनोमियल है चाहे वो किसी भी वेरिएबल में है हमें कहा है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट पॉइंट 0, 1 और 2 फाइंड करनी है. यहाँ पे वेरिएबल था y, तो y की जगह पे हमने 0, 1 एंड 2 पुट किया. यहाँ वेरिएबल था t, तो t की जगह पे हमने 0, 1 एंड 2 पुट किया और वैल्यू फाइंड की. टू पार्ट्स नोट कीजिए फिर थर्ड करते हैं. नाउ नेक्स्ट करेंगे थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. नाउ हमें वैल्यू अगेन फाइंड करनी है एक्स 0, 1 एंड. तो x की जगह क्या पुट करेंगे 0. 0 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो आंसर इज 0. 1, 1 क्यूब. 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर इज 1. 2, x की जगह पे 2. 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 फोर्स आर 8. क्लियर. नेक्स्ट पे चले फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज पी एक्स x माइनस 1 x प्लस 1. आप इस क्वेश्चन में चाहो तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहो तो फर्दर इसे एक स्टेप सॉल्व कर सकते हो. दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म है, मिडिल का साइन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे आप चाहो तो आइडेंटिटी लगा सकते हो. a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए क्या इस केस में x,
तो px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1. नाउ हम वैल्यू पुट कर लेंगे p 0, 1 और 2. हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है. 0 पुट किया, 0 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू माइनस 1. नाउ p 1 x की जगह पे 1, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 0. नाउ 2 x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 2 आर 4 माइनस 1, सो आंसर इज 3. तो जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू हमें जिस पॉइंट पे फाइंड करने के लिए कहा है वो पॉइंट किसकी वैल्यू होगी? वेरिएबल की. तो जहां भी वेरिएबल होगा उसकी जगह पे हमने 0, 1 एंड 2 पुट किया और फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट दोस पॉइंट्स. क्लियर है?